हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलिंग बीट्स। मैं हूं आप सबकी अपनी ईशा राज और हमारे चैनल पर ये पहला ट्रैवल व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं हनुवंतिया। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में अपना एक्सपीरियंस प्लस कितना बजट लगेगा और बेस्ट टाइम टू विजिट क्या होगा हनुवंतिया का, वो सब मैं एंड में बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं हनुवंतिया। इंदौर से वह अप्रॉक्स 140 किलोमीटर्स है और हम सब रेडी हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। और क्योंकि 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में तो हम जल्दी निकलते हैं। और किंचु रेडी? और रेडी? मम्मा का मुंह देख सकते हैं आप लोग। मम्मी को लेके नहीं जा रहे तो मम्मा का चेहरा सा उदास सा है। बट एक्सेंट नहीं चल रही। आप ही फ्री ने हम तो बोला था चलो। सही है, बट आर पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी। दादी भी रेडी है? दादी सबको हेलो बोलो। हेलो, नमस्ते। राम राम। तो दादी भी रेडी है और अब हम चलते हैं। अभी बज रहे 12 और हम सब फाइनली पहुंच चुके हैं। हमने 1 घंटे का रेस्ट लिया था, बीच में बुआ का घर था तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। हम लोग अभी पहुंचे हैं और बाहर, मतलब अभी हमने एंट्री भी नहीं की अंदर और इतना अच्छा लग रहा है बाहर। जो है प्रोसेस, अभी चार्जेस है, एंट्री फीस है 15 रुपीज ईच पर पर्सन। सो चलते हैं अभी। एंटर करते ही ऐसा कुछ सीन है। अगर आपको फोटोज वगैरह क्लिक करवाने हो तो बहुत प्यारे स्पॉट्स दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है, क्या यहाँ पे पूरा मैप है हनुवंतिया का कि कैसे क्या ट्रैवल करना है। एंटर करेंगे तो ये साइन बोर्ड दिया हुआ है, सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कैसे क्या जाना है। सो चलते हैं आगे। रेस्टोरेंट वाला पार्ट है, रेस्टोरेंट के जस्ट इमीडिएट पीछे इतना प्यारा व्यू है ये। और ये वेव्स का साउंड बहुत प्यारा है। तो ये एक पार्ट है, एक्टिविटी वाला पार्ट अलग साइड है, तो वो वहां अपन चलता है।
हमारा तो ले ही नहीं तुम। ये यहाँ की सभी राइड्स की प्राइस लिस्ट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो गाइज हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग क्रूज पे जाए और हम लोग 15-20 मिनट से खड़े और ये बंदा अब आ रहा है टिकट लेके। बहुत ढीला है यार ये। जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। हां थोड़ी सी नजारा, आप यहां का नजारा ही देखिए ना, अभी देखिए आप, मतलब यहां तक पहुंचने तक हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उल्टी करते हुए आई हूं, वॉमिट करते हुए आई हूं मैं, बट यहां पे आके मतलब पैसा वसूल। अभी हम लोग क्रूज से आ चुके हैं। क्रूज का रेट 200 पर पर्सन था। सो हम लोग ने बहुत डांस किया, बहुत इंजॉय किया। हाफ एन आवर हमने क्रूज पे इंजॉय किया। अब हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट राइड कौन सी जाना है। सो बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट राइड कौन सी जाए। गाइस हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग नेक्स्ट राइड स्पीड बोट पे जाए। तो ये यहाँ का कैफेटेरिया है, यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स और वेफर्स अवेलेबल है। सो लंच के लिए देखते हैं कि कहाँ जाएंगे और क्या खाते हैं। चलो रेडी गो। ओ ओ किंच गॉट 1 पॉइंट। ओ नहीं होगा नहीं होगा, चलो घर निकलो घर निकलो। सो अभी हम कॉटेज वाले एरिया में एंटर हो चुके हैं। ये जो आपको दिख रहे कॉटेजेस है, तो आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है।
कॉटेज दिखाया उसका चार्ज 6200 प्लस टैक्सेस है पर नाइट का। तो मौसम की वेबसाइट पर जाके अपन को पहले से प्री बुकिंग करवानी पड़ती है और काफ़ी अच्छा कॉटेज है। मैंने अभी वहाँ पे विजिट करा, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थे तो मैं ले नहीं पाई, बट बहुत प्यारा व्यू है वहाँ से, तो ये बहुत इजीली कर सकते हो। तो हम लोग हनुमंतिया से निकल चुके हैं, हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो, और हम थक भी गए थे तो हम लोग वहाँ से निकल गए। करीब 10 किलोमीटर आगे एक रेस्टोरेंट मिला है तो हम लोग अभी वहाँ पे लंच कर रहे हैं। गाइस लंच हो चुका है तो लंच ठीक ठाक ही था, इतना सबको खास नहीं लगा, वैसे पेट तो भर चुका है। अगर आप लोग हनुमंतिया आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई करें कि घर से लंच बांध के लाएं। हमारा भी पहले वही आइडिया था क्योंकि हम लोग 10 किलोमीटर अपोजिट है सिर्फ लंच के लिए। हम आए हैं सिंगा जी मंदिर जो कि हनुमंतिया से 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो अगर आप हनुमंतिया आने का प्लान कर रहे हो और आपके पास टाइम बचता है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। आ चुके हैं। मुझे पर्सनली हनुमंतिया का ट्रिप बहुत पसंद आया क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कजन्स से मिल रही थी और हम लोग कजन्स के साथ गए थे तो 3-4 घंटे कैसे निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। तो बिल्कुल रोड ट्रिप आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत मजा आएगा। देन अगर अपन राइड्स की बात करते हैं तो राइड्स में पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप सब प्लीज क्रूज पे जाए। क्रूज से जो व्यू होगा वो बहुत प्यारा है, आप एकदम समुद्र के बीचों बीच होंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, वहाँ पे म्यूजिक होगा, डांस होगा, बहुत मजे आएंगे। अदर देन दैट पूरा ओवरऑल अगर ट्रिप बताऊँ तो बहुत मजे आने वाले हैं। ट्राई करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप जाए, बहुत प्यारी जगह है। तो हम सब कजिन्स इंदौर से शेयरिंग कैब करके गए थे, उसका अमाउंट प्लस लंच प्लस राइड्स का अमाउंट मिला के हमको 1000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ गया था। हम लोग ने पैराग्लाइडिंग नहीं करी थी, हमने पैराग्लाइडिंग के रेट्स पूछे थे वो था 1500 पर पर्सन। तो आप इस बजट के हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट ऑफ हनुमंतिया इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि उस टाइम पे जल महोत्सव चल रहा होता है तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, बहुत सारी राइड्स भी मिल जाती है, अवेलेबल रहती है, बहुत प्यारा व्यू भी होता है दिसंबर और जनवरी के मंथ्स में। तो आप अगर हनुमंतिया जा रहे हैं तो ट्राई करें दिसंबर या जनवरी में जाए। सो आई होप मैंने सभी चीज़ें हनुमंतिया व्लॉग में कवर करी हो और आपको व्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपको बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो क्या लगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके हैशटैग बेस्ट पार्ट करके अपना टेक्स्ट कर सकते हैं और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा ये पहला ट्रैवल ब्लॉग था। तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके हैशटैग सजेशन देके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप डांसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड एनवायरमेंट, and live your life. Bye.